करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधना अपनी भाषा का। नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाली लिटरेचर क्लब से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल इमर्ज पोएट्री क्लब की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी मेरा देश, हिंदी मेरी मातृभाषा, यही है हिंदी की परिभाषा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर देश भर में यह दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को संविधान की धारा के अंतर्गत राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में शामिल है। इसे बोलने जाने वाली संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, संसद से लेके सड़कों तक, साहित्य से लेके सिनेमा हॉल तक, हर जगह समझी और बोले जाने वाली भाषा है। महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी को जन्म नाम की भाषा कहा है, इसीलिए उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर दिया था। हिंदी भाषा नए भावों की अभिव्यक्ति है, हर मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। आओ आज हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें। जिसने गुलामी में क्रांति की ज्वाला जलाई, ऐसे वीरों की प्रस्तुति है हिंदी। जिसके बिना जिंदगी थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। आओ दोस्तों, मैं आपको लेकर चलती हूँ हिंदी साहित्य की अद्वितीय रचना की ओर। कवि वो है जो भावों को रसाभिषिक्त अभिव्यक्ति देता है और सामान्य अथवा स्पष्ट के परे गहने यथार्थ का वर्णन करता है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी उन्नति द्वारा प्रस्तुत की गई इस कविता में। मुंशी प्रेमचंद जी, ख्वाहिश है, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी की फलसफा भी कितनी अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो वही अपने पीछे छोड़ आते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। हिंदी साहित्य के स्वर्ण इतिहास मुंशी प्रेमचंद जी ने देवस्थान रहस्य, ईदगाह, प्रेमा, लेखक जैसी कई कहानियां और बड़े ही मनमोहक कविताएं अपने कलम द्वारा लिखी और आज की पीढ़ी पर सौंपी है, और हम इन्हें आज भी सहेज कर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए पेश करते हैं पोएट्री क्लब से अनिरुद्ध की लिखित कविता देश और भाषा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद अनिरुद्ध आपके अनमोल और मधुर शब्दों के लिए, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपकी रचना के लिए। और जिस तरह से आज के युवा अपनी मातृभाषा को सहेज रहे हैं, ये जानकर काफ़ी खुशी होती है। आज़ादी रोटी नहीं मगर दानों में कोई बैर नहीं, पर कहीं वो बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। इन शब्दों को सहजने वाले रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पेश कर रहे हैं विक्रम जाओ जी।
रामधारी सिंह दिनकर, कलम या की तलवार। दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वही निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होती दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हालाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। साहित्य और दर्शन के महल में इतिहास की हैसियत किराएदार की होती है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। कविता कोश भारत काव्य का विशालतम और अव्यवसायिक संकलन है, जिसमें हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी आदि 50 से अधिक भाषाओं का काव्य है। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोहर है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी का माथे पर वरद हस्त है, निश्चय ही वंदनीय मासम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं, उसे भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। शुक्रिया। धन्यवाद छेजल आपके इस अनमोल और मधुर शब्दों के लिए, और जिस तरह आपने संस्कृत और हिंदी को माँ बेटी के रिश्ते से जोड़ा और तमाम प्राचीन हिंदी साहित्य के कवियों को याद किया, वाकई काबिले तारीफ है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आपको हरिवंश राय जी की लिखित साथी सब कुछ सहना होगा इस कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मानव पर जगति का शासन, जगति पर संस्कृति का बंधन, संस्कृति को भी किसी और के प्रतिबंधों में रहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा, सब कुछ सहना होगा। हम क्या है जगति के सर में, जगति क्या संस्कृति के सागर में, एक प्रबल प्रवाह में लघु तिनके सा बहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा, सब कुछ सहना होगा। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे जीवन अधूरा है पानी के बिना, वैसे हिंदी साहित्य अधूरा है हरिवंश राय बच्चन जी की अपनी कविताओं के बिना। हमारा आपको शत शत नमन। हिंदी में मैं समाई हूँ, हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की जाई हूँ। सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जो दुल्हन के माथे बिंदी। सुर जायसी तुलसी कवियों की, सरित लेखनी से बही हिंदी। हिंदी से पहचान हमारी, बढ़ती इससे शान हमारी। माँ की कोख से जाना जिसको, माँ बहना सखी सहेली हिंदी। निज भाषा पर गर्व जो करते, छू लेते आसमान डरते।
शत शत प्रणाम सब उनको करते, स्वाभिमान अभिमान है हिंदी। हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी में मैं समाई हूँ। हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की जाई हूँ। धन्यवाद मयूरी आपके इस अनमोल और मधुर शब्दों के लिए, और जिस तरह आपने हिंदी की सुंदरता को एक दुल्हन से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हिंदी किसी व्यक्ति के लिए कितनी प्यारी है ये आपके शब्दों से साफ प्रतीत होता है। शब्दों के बिना भाषा नहीं होती, जीत के लिए हार की आशा नहीं होती। भाषाओं में अव्वल और मधुर है हिंदी, भाषाओं के बिना विचारों की प्रस्तुति नहीं होती। धन्यवाद।